गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडेज़ टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ नेशनल हेल्थ पॉलिसी. फर्स्टली इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1983, देन रिवाइज्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी वॉज बिल्ट इन 2002 एंड देन कम्स इन 2017. सो फर्स्टली बिफोर Describing National Health Policy 1983, we must know what is National Health Policy. So, national is used to describe something that belongs to or it is typical of a particular country or nation. Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Policy, a course or principle of action adopted or proposed by an organization or individual. कोई किसी भी organization या कोई भी individual अगर कोई course या कोई principle of action adopt करता है या propose करता है, ठीक है, तो उसको हम policy कहते हैं. And how does this policy implemented? What are the steps of implementation of a policy? Firstly, identification and issue recognition. We have to recognize any issue, any problem, and we have to identify this problem, and then we will formulate the policy, then we will implement this policy, and then step of policy evaluation will be taken to evaluate whether that policy we made is effective or not. National health policy in India was not framed and announced until 1983. उससे पहले कुछ भी नहीं था, कोई पॉलिसी नहीं बनी हुई थी हेल्थ से रिलेटेड. सो द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इवॉल्व्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन 1983, कीपिंग इन व्यू द नेशनल कमिटमेंट टू अटेन द गोल हेल्थ फॉर ऑल बाय 2080. बेसिकली अल्मा एटा डिक्लेरेशन के बाद, अल्मा एटा में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी डिक्लेरेशन के बाद जो है ये WHO का जो गोल था हेल्थ फॉर ऑल बाय 2080, इसको अचीव करने के लिए सभी देशों ने अपने अपने कंट्रीज़ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई. तो इंडिया में नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 में जो है बनाई गई. द पॉलिसी लेज स्ट्रेस ऑन द प्रिवेंटिव प्रमोटिव पब्लिक हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन एस्पेक्ट्स ऑफ द हेल्थ केयर. इसका जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 का जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि हमने जो WHO का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करना था. टू अटेन द ऑब्जेक्टिव हेल्थ फॉर ऑल बाय 2080, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर फैमिली वेलफेयर फॉर्मुलेटेड नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983. एक जॉइंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी WHO और यूनिसेफ की 1978 में एट अल्मा आटा, जिसमें ये डिक्लेयर किया गया कि भाई जो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके बीच में अगर लोगों की हेल्थ को कंपेयर किया जाए तो जो स्टेटस है हेल्थ का डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. देर इज़ अ ग्रॉस इनइक्वलिटी, ठीक है. तो पॉलिटिकली जो कि किसी भी कंट्री में पॉलिटिकली सोशली और इकोनॉमिकली अनएक्सेप्टेबल है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है. तो अल्मा एटा डिक्लेरेशन के बाद सारे जो सभी जितने भी कंट्रीज़ थे उनकी गवर्नमेंट को ये बोला गया कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी फॉर्मुलेट करें अकॉर्डिंग टू देयर ऑन सर्कमस्टेंसेस टू लॉन्च एंड सस्टेन प्राइमरी हेल्थ केयर एज पार्ट ऑफ नेशनल हेल्थ सिस्टम. अल्मा एटा डिक्लेरेशन 1978 में एक मेजर माइलस्टोन साबित हुई ऑफ द 20th सेंचुरी इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड इट आइडेंटिफाइड प्राइमरी हेल्थ केयर एज द की टू अटेनमेंट ऑफ द गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल अराउंड द ग्लोब. अल्मा एटा कॉन्फ्रेंस में WHO का जो गोल था उसके एक्सेप्टेंस के लिए सभी कंट्रीज़ को बोला गया, और उसमें क्या था कि एक तो हेल्थ फॉर ऑल बाय 2080 और इस गोल को अचीव करने के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर को जो है बढ़ावा देना था एज अ वे टू अचीव
दिस हेल्थ फॉर ऑल. नाउ what were the key elements of national health policy 1983? firstly creation of greater awareness of health problems in the community. jo community ke health problems thi unke bare mein logo ko aware karna and means to solve the problems by the community. community ke logo ke dwara hi usko us aise raste nikalna ki wo apni problem khud se solve kar sake. then supply of safe drinking water and basic sanitation using technologies that people can afford. ठीक है, देर इज़ अ मिस्टेक. तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर सभी को सप्लाई करना और बेसिक सैनिटेशन करवाना ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके जिसको सभी लोग अफोर्ड कर सकें. रिडक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग इम्बेलेंस इन हेल्थ सर्विसेज बाय कंसंट्रेटिंग मोर ऑन द रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. रिडक्शन करना जो भी इम्बेलेंस है हेल्थ सर्विसेज़ का रूरल और अर्बन के बीच में. अर्बन एरियाज़ में जो है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और रूरल एरियाज़ में ये थोड़ा वीक था. तो इसको इस इम्बेलेंस को जो है रिड्यूस करना. उसके बाद है एस्टैब्लिशिंग ऑफ डायनेमिक हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टू सपोर्ट हेल्थ प्लानिंग एंड हेल्थ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. जो देन एस्टैब्लिशिंग ऑफ डायनेमिक हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टू सपोर्ट हेल्थ प्लानिंग एंड हेल्थ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. मतलब जो जितनी भी हम हेल्थ प्लानिंग करते हैं जितने भी हमारे हेल्थ प्रोग्राम्स की इम्प्लीमेंटेशन होनी है उनको सपोर्ट करने के लिए हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसको एस्टैब्लिश करना था. HMIS. ठीक है, उसके बाद है प्रोविज़न ऑफ लेजिस्लेटिव सपोर्ट टू हेल्थ प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन. हेल्थ प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए अगर जो कुछ भी लॉज का सपोर्ट लेना था लेजिस्लेटिव सपोर्ट चाहिए था वो प्रोवाइड करना. फॉर एग्जांपल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो है पहले जो है जेंडर डिटर्मिनेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाता था लेकिन उसके बाद लॉज लाए गए क्योंकि इसका मिसयूज़ होने लग गया था. ठीक है, इसलिए फाइन लगने लग गए जो है एक क्राइम हो गया ये ऑफेंसिव क्राइम हो गया. तो ये इसके लिए जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हमें हेल्थ प्रोटेक्शन और प्रमोशन करनी होती है तो उसके लिए लेजिस्लेटिव सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो वो लाना. उसके बाद कंसर्न एक्शन टू कॉम्बैट वाइड माल न्यूट्रिशन स्प्रेड. जो कुछ भी अगर माल न्यूट्रिशन को रोकने के लिए हमें जो कोई भी एक्शन ज़रूरी थे रिक्वायर्ड एक्शंस वो हमने करने थे. उसके बाद है रिसर्च इन ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी एंड लो कॉस्ट हेल्थ टेक्नोलॉजी. जितनी भी हेल्थ केयर डिलीवरी के ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं या कोई लो कॉस्ट हेल्थ टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है उसके लिए हमें रिसर्च करनी थी उस टाइम पर कि भाई हम रिसर्च करके देखते हैं कि अगर कहीं पे लो कॉस्ट हेल्थ टेक्नोलॉजी से काम चल सकता है या कोई हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का अल्टरनेटिव मेथड है तो हम उसे यूटिलाइज़ करें. जैसे मोबाइल जो है वैंस थी मोबाइल जो आपकी ट्रीटमेंट के लिए. ठीक है, उसके बाद है ग्रेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन. जो आयुष सिस्टम है हमारा अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो हमारा उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि हम इफ़ेक्टिव जो है हेल्थ केयर डिलीवरी हम कर सकें. उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या थे नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 के. अ फेज टाइम बाउंड प्रोग्राम फॉर सेटिंग अप ए वेल डिस्पर्स नेटवर्क ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज लिंक्ड विद एक्सटेंशन एंड हेल्थ एजुकेशन डिजाइन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ग्राउंड रियलिटी that elementary health problems can be resolved by the people themselves. जितने भी हमारे comprehensive primary health care services का network था ये time bound program था और एक phase program था. इसको जो है ये linked था एक health education के द्वारा और ग्राउंड रियलिटी ये थी कि एलिमेंट्री हेल्थ प्रॉब्लम्स को जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के द्वारा रिजॉल्व किया जा सके लोगों के द्वारा खुद से रिजॉल्व वो कर सके. ठीक है, उसके बाद है इंटरमीडिएशन थ्रू हेल्थ वॉलंटियर्स हैविंग एप्रोप्रिएट नॉलेज सिंपल स्किल्स एंड रिक्विजिट टेक्नोलॉजी
नेशनल हेल्थ पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव एक ये भी था कि जितने भी हेल्थ वॉलंटियर्स हैं हम उनको इंटरमीडिएट कर सकें, उनको हम इन्वॉल्व कर सकें बिटवीन कम्युनिटी एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो जैसे आशा वर्कर्स हो गई, ठीक है, एएनएम वर्कर, एएनएम की तो चलो ट्रेनिंग होती है, शी इज़ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आशा वर्कर हो गई, ठीक है, ये आपके लेडी हेल्थ विजिटर्स हो गए, ठीक है। तो ये लोग थे जो कि हेल्थ वॉलंटियर्स का काम जो है कर सकते थे, जिनके पास अप्रोप्रिएट नॉलेज हो उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हम दे देते थे, सिंपल स्किल्स हों और रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी जो है रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी का वो यूज़ कर सकें। उसके बाद है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ वेल वर्कड आउट रेफरल सिस्टम टू इंश्योर दैट पेशेंट लोड एट द हायर लेवल ऑफ हायरकी इज़ नॉट नीडलेसली बर्डनड बाय दोज हु कैन बी ट्रीटेड एट द डिसेंट्रलाइज्ड लेवल। एक इफ़ेक्टिव एक स्ट्रॉन्ग रेफरल सिस्टम जो है वो एस्टैब्लिश करना था इसका एक ऑब्जेक्टिव, ताकि जो हायर लेवल इंस्टीट्यूशंस हैं, हायर लेवल हॉस्पिटल्स हैं, उनके ऊपर बर्डन ना हो, उनके ऊपर पेशेंट लोड ना हो, जो नीडलेस लोड है, नीडलेस जो बर्डन है जिसकी ज़रूरत नहीं है, छोटी मोटी बीमारी जो कि लोअर लेवल पे ट्रीट की जा सकती है वो हायर लेवल पे ना जाए। तो इसको डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए, इसके लिए जो है ये एक ऑब्जेक्टिव था। देन इंटीग्रेटेड नेटवर्क ऑफ evenly spread speciality and super speciality services, encouragement of such facilities through private investment for patients who can pay, so that the draw on the government's facility is limited to those entitled to free use. Ek speciality or super speciality private hospitals ko integrate kiya jana in healthcare delivery system, ताकि जो पेशेंट्स इन फैसिलिटीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं वो वहाँ पे जाएं, और जो गवर्नमेंट फैसिलिटी जो कि फ्री होती है वो उन लोगों के लिए अवेलेबल रहे जो कि जो प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, राइट। उसके बाद है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002, अ रिवाइज्ड हेल्थ पॉलिसी फॉर अचीविंग बेटर हेल्थ केयर एंड अनमेट गोल्स हैज़ बीन ब्रॉट आउट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एक रिवाइज्ड हेल्थ पॉलिसी लाई गई ताकि बेटर हेल्थ केयर जो है वो दी जा सके, और अनमेट जो गोल्स हैं जो कि 1983 की पॉलिसी से हम पूरा नहीं कर पाए थे, जिन गोल्स को उनको हम पूरा कर सकें, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 बनाई। अकॉर्डिंग टू दिस रिवाइज्ड पॉलिसी गवर्नमेंट एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स आर ऑब्लिगेटेड टू रेंडर गुड हेल्थ केयर टू द सोसाइटी, ऑप्टिमाइजिंग द यूज़ ऑफ हेल्थ सर्विसेज टू ए लार्ज ग्रुप रादर देन अ स्मॉल ग्रुप इज़ अ फोरसीन इवेंट बाय द NHP 2002। इसके अकॉर्डिंग जो हेल्थ सर्विसेज का यूज़ है एक लार्ज ग्रुप के द्वारा होना चाहिए, ना कि एक स्मॉल ग्रुप, एक छोटा सा पर्टिकुलर ग्रुप खाली वही अवेल कर रहा है हेल्थ सर्विसेज को, ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई जिसके पास पैसा है खाली वही इस सर्विसेज को अवेल करें और बाकी सारे ऐसे ही रह जाएं। तो सभी को इन्वॉल्व करना था, सभी लोग इन सर्विसेज को अवेल करें, ये इसका मकसद था। इंक्लूजन ऑफ सोशल पॉलिसीज एड्स टू द क्रेडिट ऑफ द रिवाइज्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002। जो सोशल पॉलिसीज जो दूसरी सोशल पॉलिसीज थी उसको इसमें इंक्लूड किया गया इस रिवाइज्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके 2002 की जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी, फर्स्टली प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच, इसमें जो अप्रोच यूज़ की गई वो प्राइमरी हेल्थ केयर की गई, ठीक है। उसके बाद है डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक हेल्थ सिस्टम, पब्लिक हेल्थ सिस्टम को डिसेंट्रलाइज किया गया, लो जो रेफरल सिस्टम था उसको स्ट्रेंथन किया गया, ताकि जो लोअर लेवल पे हैं, जो जो हमारे प्राइमरी लेवल पे हमारे फैसिलिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, वो वहाँ पे लोगों की ट्रीटमेंट उनको अच्छे से दिया जाने लगा, ताकि जो बर्डन है
हायर लेवल पे, हायर लेवल इंस्टीट्यूशंस पे उसको हम कम कर सकें, सेकेंडरी लेवल या टर्शरी लेवल पे जो बर्डन है उसको कम किया जा सके। उसके बाद है कन्वर्जेंस ऑफ ऑल हेल्थ प्रोग्राम अंडर सिंगल फील्ड अम्ब्रेला, जितने भी हेल्थ प्रोग्राम्स थे उनको एक सिंगल फील्ड अम्ब्रेला, मतलब एक मेन जो है ऑर्गेनाइजेशन, मेन जो है डिपार्टमेंट, उसके अंडर जो है लाया गया। अलग अलग हेल्थ प्रोग्राम के अलग अलग चीज़ें जो है, अलग अलग ऑथराइजेशन नहीं रही, एक सिंगल डिपार्टमेंट के अंडर वो हेल्थ प्रोग्राम्स किए जाने लगे। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रेंथनिंग एंड एक्सटेंडिंग पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं उनको स्ट्रेंथन किया गया, उनको एक्सटेंड किया गया ताकि रूरल एरिया, रिमोट एरिया सब जगह वो पहुंच सके। एनहांस्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट एंड एनजीओ सेक्टर इन हेल्थ केयर डिलीवरी, उनको जो प्राइवेट और एनजीओ सेक्टर्स हैं उनको उनकी कंट्रीब्यूशन जो है, उनका सपोर्ट, उनका कोलेबरेशन, उस चीज़ को बढ़ाया जा सके हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में। उसके बाद है इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग फॉर हेल्थ केयर, जो पब्लिक स्पेंडिंग थी यानी पब्लिक पार्टिसिपेशन या जो लोगों का जो प्राइवेट की तरफ जो रुझान था वो बढ़ाया जा सके। उसके बाद है पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस और की कंपोनेंट्स, इस जो 2002 में जो पॉलिसी आई उसकी क्या प्रिस्क्रिप्शन या की कंपोनेंट्स थे। सबसे पहले फिनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, उसके बाद इक्विटी की फिनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए इसके लिए, जो भी हमने काम करना है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में उसके लिए फिनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी हैं। इक्विटी की सभी लोगों को बराबर जो है रखा जाए, ऐसा नहीं है कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, सबकी लाइफ की सेम वैल्यू है, तो जितनी भी हेल्थ सर्विसेज हैं वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। डिलीवरी ऑफ नेशनल पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स, जो नेशनल पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स थे उनको डिलीवर इम्प्लीमेंट किया जाने लगा। उसके बाद स्टेट ऑफ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे, जो हेल्थ सेंटर्स हमारे बने हुए थे, इनको इनकी स्टेट को देखा, मतलब इनका जो स्टेटस है वो क्या है और उसको स्ट्रेंथन किया गया। उसके बाद है एक्सटेंडिंग पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं उनको एक्सटेंड किया गया। रोल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जो सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रोल को बढ़ाया गया। ठीक है, उनका रोल क्या है उसमें हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में उसको बताया गया। द नॉर्म्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यानी कि इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट, उसके नॉर्म्स जो है बनाए गए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, नर्सिंग प्रोफेशनल्स के लिए और मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए वो तैयार किए गए नॉर्म्स। ठीक है, नॉर्म्स बताए गए। उसके बाद एजुकेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ठीक है, ये चीज़ स्पेसिफाई की गई। उसके बाद है नीड फॉर स्पेशलिस्ट इन पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली मेडिसिन, इसके लिए क्या नीड है, क्यों ज़रूरत है, इस चीज़ को स्पेसिफाई किया गया। ठीक है, कितनी ज़रूरत है। फिर नर्सिंग पर्सनल की जो है पोस्ट कैडर और उसके जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया गया। यूज़ ऑफ जेनरिक ड्रग्स, ये बताया गया कि जेनरिक ड्रग्स आर मच चीपर देन दीज अदर ड्रग्स। ठीक है, जो आपकी कंपनी के नाम से आती हैं जो ड्रग्स, उनसे ज़्यादा चीप होती हैं जेनरिक ड्रग्स, तो यूज़ ऑफ जेनरिक ड्रग्स को बढ़ावा दिया गया। अर्बन हेल्थ, अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इसके फर्स्ट टायर में प्राइमरी सेंटर जो है 100,000 पॉपुलेशन कवर करेगी, ये बताया गया। इट फंक्शंस एज ओपीडी फैसिलिटी, इसमें ओपीडी होंगी। इट प्रोवाइड्स एसेंशियल ड्रग्स एंड इट विल कैरी आउट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। सेकंड टायर में बताया गया कि भाई जनरल हॉस्पिटल अ रेफरल टू प्राइमरी सेंटर प्रोवाइड्स द केयर, जो जनरल हॉस्पिटल प्राइमरी सेंटर जो अर्बन वाले थे यूपीएचसी, वो रेफर करेंगे जनरल हॉस्पिटल्स को। ठीक है, पॉलिसी रिकमेंड्स है फुली इक्विप्ड हब स्पोक ट्रॉमा केयर नेटवर्क टू रिड्यूस एक्सीडेंट मोर्टैलिटी। इस पॉलिसी ने रिकमेंड किया कि एक फुली इक्विप्ड हब स्पोक
ट्रॉमा केयर नेटवर्क होना चाहिए ताकि एक्सीडेंट से मरने वाले लोगों की नंबर हम कम कर सकें। ठीक है, एक ट्रॉमा सेंटर्स बनाने के लिए रिकमेंड किया गया। मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया गया, फोकस किया गया। इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, इसके लिए स्कूल चिल्ड्रन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बाय फोक एंड ट्रेडिशनल मीडिया टू ब्रिंग अबाउट बिहेवियरल चेंज। ठीक है, इनके थ्रू जो है नुक्कड़ नाटक एंड ऑल स्कूल में प्ले हो गए, इनके थ्रू IEC को बढ़ावा दिया गया। उसके बाद हेल्थ रिसर्च की गई, ज़्यादा से ज़्यादा इन पे कंसंट्रेट किया गया। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर है, हॉस्पिटल्स वगैरह, उनका रोल स्पेसिफाई किया गया। सिविल सोसाइटी का रोल स्पेसिफाई किया गया। नेशनल डिजीज सर्वेलेंस नेटवर्क को स्ट्रेंथन किया गया। हेल्थ स्टेटिस्टिक्स के बारे में फोकस किया गया। वुमेन हेल्थ के बारे में फोकस किया गया। मेडिकल एथिक्स स्पेसिफाई किए गए। एनफोर्समेंट ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर फूड एंड ड्रग्स, ठीक है, इसके बारे में बताया गया कि जो फूड और ड्रग के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनमें एनफोर्समेंट जो है की जा सकती है, जो लॉज हैं, ठीक है, वो बनाए गए। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स इन पैरामेडिकल डिसिप्लिन्स, जो पैरामेडिकल नेटवर्क है, पैरामेडिकल प्रोफेशन है, उसमें जो है स्टैंडर्ड्स की रेगुलेशन के लिए उसको स्पेसिफाई किया गया। उसके बाद एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ पे ध्यान दिया गया, वो स्पेसिफिकेशन की गई। देन प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज़ टू यूज़र्स फ्रॉम ओवरसीज़, जो हेल्थ टूरिज्म में जो आते हैं, जो ओवरसीज़ मतलब बाहर से, जो आउट ऑफ आर कंट्री जो मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए आते हैं यहाँ पे, उनके लिए जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, वो स्पेसिफाई किए गए। उसके बाद 2017 में नेशनल पॉलिसी जो आई है, इट आल्सो आइडेंटिफाइज 7 प्रायोरिटी एरियाज़ फॉर इम्प्रूविंग द एनवायरनमेंट फॉर हेल्थ। दीज प्रायोरिटी एरियाज़ नीडिंग कोऑर्डिनेटेड एक्शन इंक्लूड स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, इसके जो प्रायोरिटी एरियाज़ थे कौन कौन से थे, स्वच्छ भारत अभियान, बैलेंस्ड हेल्दी डाइट्स एंड रेगुलर एक्सरसाइजेज, एड्रेसिंग टबैको अल्कोहल एंड सब्सटेंस अब्यूज़, यात्री सुरक्षा, प्रिवेंटिंग डेथ ड्यू टू रेल एंड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, निर्भय नारी, एक्शन अगेंस्ट जेंडर वायलेंस, रिड्यूस्ड स्ट्रेस एंड इम्प्रूव्ड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस, रिड्यूसिंग इंडोर एंड आउटडोर एयर पॉल्यूशन। उसके बाद कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा जो 2000 AD तक जो हेल्थ फॉर ऑल वाला गोल था वो अचीव नहीं हो पाया। वो क्या क्या है? इनसफिशिएंट पॉलिटिकल कमिटमेंट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑन हेल्थ फॉर ऑल, जो पॉलिटिकल कमिटमेंट्स थे वो नहीं हुए ताकि हम जो है हेल्थ फॉर ऑल को अचीव कर सके। फेलियर टू अचीव इक्विटी इन एक्सेस टू द ऑल प्राइमरी हेल्थ केयर एलिमेंट्स, जितने भी प्राइमरी हेल्थ केयर एलिमेंट्स थे, जो सर्विसेज थी, उनको सबको उनका जो अवेल करने वाले थे उसमें जो है इक्विटी नहीं हुई, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, इक्वल जो है अवेलिंग नहीं हुई, ठीक है, इसमें फेल हो गए। उसके बाद है कंटिन्यूइंग लो स्टेटस ऑफ वुमेन, जो वुमेन का स्टेटस है वो नीचे ही जाता जा रहा है। उसके बाद है स्लो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, डिफ़िकल्टी इन अचीविंग इंटरसेक्टोरल एक्शन फॉर हेल्थ, जो इंटरसेक्टोरल एक्शन फॉर हेल्थ चाहिए वो नहीं अचीव हो पा रहा है, जो दूसरे सेक्टर्स के लिए से कोलैबोरेशन होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है ढंग से। अनबैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड वीक सपोर्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जो अनबैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है ह्यूमन रिसोर्सेज का, ठीक है, और वीक सपोर्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज का, इसकी वजह से नहीं अचीव हो पाया है। क्योंकि आपने देखा है नर्सिंग स्टाफ और मेडिकल स्टाफ दोनों का ही, और पैरामेडिकल स्टाफ हमेशा से ही क्राइसिस रहा है हमारे कंट्री में, तो देर इज़ अनबैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो। देन वाइड स्प्रेड इन एडुकेसी ऑफ हेल्थ एक्टिविटीज़, हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़, जो हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ हैं उनका वाइड स्प्रेड इन एडुकेसी है। देन वीक हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नो बेसलाइन डेटा, जो हमारा हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम है हेल्थ HMIS जो है हमारा वो वीक है, ठीक है, बेसलाइन डेटा है ही नहीं हमारे पास। उसके बाद पॉल्यूशन, पुअर फूड सेफ्टी एंड लैक ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, इसकी वजह से भी जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये इनकी वजह से भी हमारा जो हेल्थ फॉर ऑल वाला गोल है वो नहीं अचीव हो पाया।
देन रैपिड डेमोग्राफी एंड एपिडेमियोलॉजिकल चेंजेस. हमारी कंट्री में डेमोग्राफी बहुत जल्दी चेंज हो रही है, एपिडेमियोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसकी वजह से भी नहीं हो पाया. इनअप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हाई कॉस्ट टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज, जो हाई कॉस्ट टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज हैं उनका या तो इनअप्रोप्रिएट यूज़ हो रहा है या इनअप्रोप्रिएट एलोकेशन हो रहा है. कहीं कहीं जो है मशीन्स जो हैं ऐसे ही रखी रहती हैं, काम में ही नहीं लेते, ठीक है, या उनको यूज़ करने वाला कोई नहीं है या कोई यूज़ करना जानता नहीं है, ठीक है, तो ये हो रहा है. उसके बाद है नेचुरल एंड मैनमेड डिज़ास्टर्स की वजह से भी जो है नहीं अचीव कर पा रहे हम. सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेशनल हेल्थ पॉलिसी. थैंक यू सो मच.